लॉकडाउन है और 6 महीने से आप लोगों का कोचिंग बंद है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद है, साथ साथ हम लोग भी बर्बाद है, टीचर भी बर्बाद हो गया। सब जगह खुला हुआ है, पान गुमटी सब जगह खुला हुआ है, मतलब मॉल टॉल मतलब सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन हम लोग कोचिंग में शांत जगह पे सरस्वती के मंदिर पे आप लोग बैन लगा रहे हैं, ये गलत बात है आप लोग के। हम लोग पढ़ाई चालू करना चाहिए, बस हम लोग से कुछ नहीं, हम लोग हाथ जोड़ के प्लीज हमारी कोचिंग खोल लिया जाए, क्योंकि हम लोग के पास 4 महीना है, हम लोग के पास 4 महीना पढ़ने का, हम लोग को 4 महीना पढ़ना है। जब एक शिक्षक खुद बोल रहेगी जब हम लोग बर्बाद है तो हम लोग छात्र क्या बोलेंगे? हम लोग तो रोड पे 7,000 है ना, हम लोग रोड पे आ रहे हैं तभी ना। एक मिनट सर, हम लोग कुछ नहीं है, जो देश का भविष्य बदलता है, जो देश का भविष्य चेंज करता है, उसका भविष्य अंधकार में है। इस सरकार की नजर में हम लोगों का कोई महत्व नहीं है, प्राइवेट टीचर का कोई महत्व नहीं है, ऐसे बोलिए ना, प्राइवेट टीचर का कोई महत्व नहीं है सरकार के नजर में। खुद बोल रहे हैं कि शिक्षक हम लोग का कोई महत्व नहीं है, तो बताइए जब हम लोग कोचिंग लॉस हो गया, हम लोग सेकंड ईयर में सर 4 महीना शिक्षक में क्या मतलब, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार है, आप लोग आज सरकार है, कल हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग भी सरकार आएंगे, सर ये हम लोग सरकार बनेंगे, आज आप सरकार कोरोना के लेकर मजाक में नहीं हुआ, आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, और जिस तरीके से भी पूरे देश में लॉकडाउन है और पूरे बिहार में लॉकडाउन थी, उसके बाद कई सारे चीजें खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पूरे भारत के लिए अभी बंद है, पूरे बिहार के लिए बंद है। इसके बाद जो छात्र लोग हैं ये बाहर निकले हुए हैं, हुजूम देखिए छात्रों का हुजूम, ये के बाहर निकले, क्यों निकले बाहर? हम लोग इसलिए सर, हम लोग इसलिए रोड पे आए हैं सर, आप बाजार में रहते हैं ना सर, बाजार में आप देख रहे हैं पूरी युवा घूम रही है सर, पूरी जगह जाम लग रही है सर, जाम लग रही है, मॉल खुल रहा है सर, लेकिन जब हम लोग कोचिंग घूम रहे हैं तो क्यों सर बंद किया जा रहा है, क्यों कोरोना आ रहा है हमारे कोचिंग में सर, हमारे कोचिंग में क्यों आ रहा है सर? भाई मेरे एक एक करके बोलिएगा सबका आवाज आएगा, एक एक करके बोलिएगा सबका आवाज आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बोलिए क्या सर? दुकान दरिया सब खुला हुआ है सर, केवल कोचिंग में ही कोरोना आ रहा है, सब जगह बाजार में आज ऑटो वगैरह सब कुछ चल रहा है सर, मान लीजिए मॉल खुला है सर, सब यहाँ सब देखिए सर खुले हुआ है। कौन कौन है अभी बंद कराने के लिए? अभी आए हैं BDO मैम आई है और जिला प्रशासन आए हुए हैं, इन लोगों ने हम लोग कोचिंग से भगाया बाहर, बोले कि चले जाओ अब कोचिंग तुम लोग असी लोग, बताइए जब हम लोग कोचिंग लॉस हो गया है सर, हम लोग सेकंड ईयर में सर 4 महीना शिक्षक क्या मतलब, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार है, आप लोग आज सरकार है, कल हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग भी कल सरकार आएंगे, सर ये हम लोग सरकार बनेंगे, आज आप सरकार। कोरोना के लेकर मजाक बनाया हुआ सर, ये कोरोना के लेकर सब मजाक बनाया हुआ है, मार्केट खुल रहा है, जाकर मार्केट बंद कराओ सर, कोचिंग क्यों बंद करा रहा है, सब मॉल खुल रहा है, क्यों टीवी बंद करा रहा है सर, छात्र संघ की खिलवाड़ हो रहा है सर, ये मार गए सर, युवा के साथ देखिए ये सारी युवा इसलिए जिस तरीके से लड़के जो है वो छात्र जो है आज निकले वहाँ रोड पे, तस्वीरों में देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रोड KG रोड है आरा का, और आरा का KG रोड में जो बच्चे हैं वो बाहर निकले हुए हैं, हुजूम जो है वो बाहर निकला हुआ है, भीड़ दिखाई है, भीड़ ऊपर से पहले दिखाने के लिए, और क्या बोलू मैडम, मास्क नहीं लगा रही है, छात्र को बोल रहा है कि मास्क अपने मास्क कहाँ रखे हुए, हम लोग सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, ये कौन है, प्रशासन हो मास्क, हम लोग को बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर मास्क सब बैग में लगा रहा है, एक बेंच पे दो छात्र बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर?
आपका? गोपाल प्रसाद गुप्ता। आप टीचर हैं? क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। अच्छा, बहुत दिक्कत आई होगी, लॉकडाउन है और 6 महीने से आप लोगों का कोचिंग बंद है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद है, साथ साथ हम लोग भी बर्बाद है, टीचर भी बर्बाद हो गया। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि टीचर और शिक्षकों को तो हमने बहुत कुछ दिया है, रोजगार दिया, बच्चों को पढ़ाई दिया, लड़कियों को साइकिल बांटा। सब कुछ गलत है, ना केंद्र सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ किया है, ना राज्य सरकार ने। हम लोग बिल्कुल हम लोगों के साथ सरकार का रवैया ऐसा है जैसे हम लोग देश के नहीं विदेशी हैं, ठीक ना। हम लोग टीचरों को खुद ये बात बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो देश का भविष्य बदलता है, जो देश का भविष्य चेंज करता है, उसका भविष्य अंधकार में है। इस सरकार की नजर में हम लोगों का कोई महत्व नहीं है। प्राइवेट टीचर का कोई मौत नहीं है, ऐसे बोलिए ना, प्राइवेट टीचर का कोई मौत नहीं है सरकार के नजर में। खुद बोल रहे हैं कि शिक्षक हम लोगों का कोई मौत नहीं है, तो हम लोग साथ लेकर क्या वैल्यू है? दुकान खुला हुआ है, दुकान खुला हुआ है, बाजार में बोला ना भीड़ लग रहा है, सब में भीड़ लग रहा है, लेकिन शांत कोचिंग में बैन लग रहे हैं कि नहीं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। और सर हम लोग का इतना सुविधा दिए है कि सैनिटाइजर लगाएंगे, करो यार ऐसा है क्या है सर? सब जगह खुला हुआ है, पान गुमटी सब जगह खुला हुआ है, मतलब टेम्पो मॉल तोल मतलब सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन हम लोग कोचिंग में शांत जगह पे सरस्वती के मंदिर पे आप लोग बैन लगा रहे हैं, ये गलत बात है आप लोग के। हम लोग पढ़ाई चालू करना चाहिए, बस हम लोग से कुछ नहीं, हम लोग हाथ जोड़ के प्लीज प्रशासन से बोल रहे हैं हमारी कोचिंग खोल दिया जाए, क्योंकि हम लोग बस 4 महीना है, हम लोग बस 4 महीना पढ़ने का, हम लोग 4 महीना पढ़ना है। जब एक शिक्षक खुद बोल रहे हैं कि जब हम लोग बर्बाद है तो हम लोग छात्र क्या बोलेंगे? हम लोग तो रोड पे साफ आ जा रहे हैं ना, हम लोग रोड पे आ रहे हैं तभी ना। एक मिनट सर, उनको लिख के दीजिए किस तरीके कोचिंग खुलवाया है आपका। सर बाजार खोलने के लिए या जब सरकार को पैसा जरूरत पड़ रहा है तो दारू का दुकान खुलवा दे रहा है, भीड़ लगवा दे रहा है, वहाँ पे सर कोरोना नहीं फैल रहा है। आज जब यहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चा में शिक्षा लेने आ रहे, परिवार मतलब रिस्पेक्ट में टीचर के भेज रहा है, वहाँ पे मॉल सिनेमा सब खुल रहा है सर, कोचिंग सर, कोचिंग से सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, कोचिंग से सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, तो सर कोचिंग क्यों बंद कराया जा रहा है? इसलिए कि फायदा नहीं हो रहा सरकार को, जो सरकारी चीज से सरकार को फायदा हो रहा है, जिससे टैक्स मिल रहा है सरकार को, वो सरकार खुलवा रहा है। सर अपना सरकार अपना फायदा देख रहा है सर, हम बच्चों में फायदा नहीं होता है सर। एग्जाम आने में 4 से 5 महीना बाकी है सर, 4 से 5 महीना, कोचिंग 6 महीना से बंद है सर, घर पर बैठे हैं सर। बताइए देवराज मिश्रा कौन से क्लास में? 12th के। परीक्षा लिया जाएगा, बच्चा तो कुछ पढ़ा नहीं ड्यू टू लॉकडाउन, परीक्षा किस आधार पे हम लोग क्या लिखेंगे परीक्षा में जाकर के? आप ये किस आधार पे परीक्षा? क्लास तो हुआ नहीं, बच्चा कुछ पढ़ा नहीं, 5 महीने सब बंद, अभी भी बंद। हम लोग 3 महीने के पढ़ाई में जो साल भर नहीं पढ़ के दे पाता, 60-70% आता है, वो 3 महीने पढ़ाई में हम लोग किस आधार पे लाएंगे? हम लोग का बोर्ड किस आधार पे? क्या रिलैक्सेशन 30% का सुंदर रिलैक्सेशन हुआ है? सिलेबस रिलीज किए आप नहीं किए हैं, एसटीडी का एग्जाम हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था कि आप पहले सिलेबस रिलीज करेंगे, हुआ नहीं हुआ, डायरेक्टली एग्जाम लिया गया है, किस आधार पर लेगा लोग? क्या मतलब है इसका? हम लोग का अगर कोचिंग नहीं चलेगा, चलेगा भी तो हम लोग एग्जाम ले जाए, एग्जाम हम लोग को फरवरी में जल्दी स्टार्ट होता है कि नहीं? और हम 3 से 4 महीने का समय, 4 महीने में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 4 महीने बस, इसका जवाब दे दीजिएगा, 4 महीने में क्या तैयारी? यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो आई हुई है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है, महिला पुलिस पदाधिकारी भी है और पुलिस प्रशासन की टीम भी आई है। ये कोचिंग संस्थान है इस गली का, और कई सारे कोचिंग जो है इस गली में मिलेंगे आपको, कई सारे जो कोचिंग संस्थान के लोग हैं, चाहे वो टीचर हों या प्रोफेसर हों, वो यहाँ पे पढ़ाते हैं, और वो यहाँ पे आज कई सारे लोग जो हैं आए हुए यहाँ पे बंद करवाने के लिए। बीडीओ साहब और सीओ साहब की बात चल रही है, साथ में थाना, लोकल थाना नवादा थाना जो आता है अंतर्गत, वो थाना भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, उसके थाना अध्यक्ष संजीव कुमार भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है इस कोचिंग सेंटरों पे, और कोचिंग सेंटरों पे आज जो है जिस तरीके से बंद कराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है, उसके बाद बच्चों का किस तरीके से हंगामा है वो हम आपको दिखाया, बच्चे की मांग क्या है वो भी हमने आपको दिखाया। आशा एक बात कल नारायण सिंह से प्रसाद के साथ, खबर यहीं तक, खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।
आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।